साथियों कोई भी स्पेसिफिक बात होगी तो अगर हम सवाल जवाब में ले लेंगे। संक्षेप में मुझको केवल यही कहना है कि दो पहलू हैं, एक तो जन लोकपाल के बारे में और एक जो विधानसभा की जो प्रक्रिया है उसके बारे में। जन लोकपाल के बारे में मैं सबसे पहले तो इस बात का स्वागत करता हूँ कि पार्टी के नेतृत्व ने और विधानसभा के अंदर ये इस बात की रुचि दिखाई है कि जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनकी बातों को सुना जाएगा, उसके आधार पर विधेयक में कुछ अमेंडमेंट प्रस्तुत किए गए हैं और मुझे पूरा विश्वास है वो आगे भी जरूरत के हिसाब से किए जाएंगे। तो इस तरीके से हम सब लोग जन लोकपाल आंदोलन के सिपाही हैं और जन लोकपाल का जो मुद्दा है वो पार्टी से ऊपर का मुद्दा है, वो पॉलिटिक्स से ऊपर का मुद्दा है, वो पूरे देश की जन भावनाओं का मुद्दा है। तो उस पर तो कोई पार्टीबाजी नहीं हो, उस पर कोई पार्टी हित से न सोचे। जैसे अरविंद हमेशा कहते रहे हैं, हमारे लिए पार्टी हित से बड़ा देश हित है और देश हित की नजर से देखें। तो इस नजर से सबसे पहली मांग तो मेरी यह है कि इस मामले पर व्हिप जारी करने की, क्योंकि विधानसभा के अंदर व्हिप जारी करके आप ये सुनिश्चित करते हैं कि विधायक जो है उसके पक्ष में वोट दें। ये कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं है, सरकार निश्चित रूप से चलनी ही है, सरकार के अंदर सबका विश्वास बना रहे, सरकार बहुत अच्छे से चले, लेकिन चर्चा खुलकर हो और बहस खुलकर हो, बहस से बचा न जाए, बहस से भागा न जाए। तो इसलिए मेरा केवल यह है कि सब लोग अपने दिल की बात कहें और उस पर रोक टोक ना हो। और स्वयं जैसा कहा गया कि 2014 और रामलीला मैदान में का जो वर्जन है उसमें कांग्रेस पुलिस स्टॉप का भी अंतर नहीं होगा, उस बात को माना जाए। और जब ये कहा गया कि अन्ना की बात का सम्मान किया जाएगा तो अन्ना के जो नेता सुझाव आए हैं कि 2014 की भावना का पालन हो, तो यही मुझको विश्वास है कि विधानसभा की कार्रवाई में और सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव आएंगे उसमें, पार्टी की जो राय बनेगी उसमें, इन सारी भावनाओं का पालन किया जाएगा। दूसरी बात केवल ये है कि मेरा जो पिछले 10 दिन का ऑब्जर्वेशन ये है कि दिल्ली की विधानसभा में जो माहौल है वो कुछ आवश्यकता से अधिक बहुत ही ज्यादा तनाव का, बहुत ही गुस्से का, बहुत तीखी भाषा को इस्तेमाल करना और खुलेआम अपशब्दों का इस्तेमाल करना, धमकियों का होना, ये सब माहौल बन गया है पिछले 10 दिन, जिसका कि जाने अनजाने मैं उसके हमले के केंद्र में आ गया और मुझको जो टारगेट करके जो धमकियां दी गई उसके बाद मैंने विधानसभा अध्यक्ष के संज्ञान में वो बातें लाई, क्योंकि विधानसभा के मामलों में विधानसभा अध्यक्ष महोदय सर्वोपरि हैं, वही अभिभावक हैं। तो उनके संज्ञान में मैंने बात लाई और मैंने निवेदन किया कि इस बात को संज्ञान में ले और जो एक विशेष अधिकार हनन का मामला होता है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मामला होता है, उसके अंतर्गत लें। लेकिन ये दुख की बात है कि उस पर मेरे मामले को उन्होंने अपने अभी विचाराधीन रखा और जिस व्यक्ति से मुझको सीधे सीधे खतरा मैंने बताया और मुझको एकदम से धमकियां मिल रही थी, खुलेआम सदन के अंदर मिल रही थी, उन्होंने एक प्रस्ताव लाया, उसको उन्होंने स्वीकार किया। तो मैं केवल यही अपील करूंगा कि मेरा पूरी तरह से संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास है, विधानसभा में विश्वास है, विधानसभा की समितियों में और स्पीकर में विश्वास है, उनका हम सम्मान करते हैं। मैं केवल ये अपील करूंगा कि न्याय को सामने आने दें, उसको दबाने की कोशिश अगर कहीं से भी होती है तो वो बहुत ही दूरगामी तौर पर अहित पैदा करने वाली होती है। तीसरी और संक्षिप्त बात यह कहनी है कि कल जो बातें हुई सदन में, बहुत ही एक उग्र भाषण गोपाल राय जी द्वारा दिया गया जिसमें खुलकर मेरे लिए और कई और लोगों के लिए अपशब्द इस्तेमाल किए गए, मेरे खिलाफ खुलकर आरोप लगाए गए। मैं केवल प्रार्थना ये कर रहा हूँ, पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहा हूँ कि मैंने बार बार हाथ जोड़ के याद किया कि मुझको केवल एक वाक्य कहने की अनुमति दीजिए, आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, मेरा बयान तो होने दीजिए, मेरी बात तो आने दीजिए। दुनिया की किसी अदालत में आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी पर आरोप लगाए, किसी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए और उसको बात भी कहने का मौका न दें, अपना सफाई भी देने का मौका न दें, उस पर आप इल्जाम को साबित मान लें, उसके खिलाफ आप आरोप तय कर दें, उसको सजा दे दें। दुनिया के इतिहास में किसी न्यायालय में ऐसा नहीं होता है, मेरी लगातार यही प्रार्थना है। मेरा पूरा विश्वास अभी भी भारत की संविधान की व्यवस्था में है, दिल्ली की विधानसभा में है। मैं इस प्रार्थना को लगातार दोहराऊंगा कि जो आरोप मेरे ऊपर लगे हैं, बड़े बड़े अपशब्द इस्तेमाल किए गए, गद्दार मुझको कहा गया, ये अब आदरणीय गोपाल राय जी जज नहीं है, वो
वो अपनी बात कहे उपयुक्त मंच पर कहे, उन्होंने कहा कि मिट्टी फेंकी गई, उन्होंने कहा हमला, तो ये तो पुलिस को मामला सौंप दिया गया, इसकी जांच करेगी, जो भी एविडेंस होंगे उसके आधार पर जांच हो, और जो जो भी गलत काम कर रहा है उसको उपयुक्त कानून के हिसाब से सजा मिले, अगर मैं भी कहीं दोषी पाया जाता हूँ मुझे सजा मिले, लेकिन अगर कोई झूठा आरोप लगाता है उसको भी पूरी सजा मिले। हम न्याय की रक्षा के लिए, सच्चाई की रक्षा के लिए आगे आए। मेरा केवल ये कहना है कि मेरे पूरे विश्वास के साथ मैं कहता हूँ कि दिल्ली विधानसभा में बहुत ही असहिष्णु माहौल बनता जा रहा है, मेरे लिए बहुत गहरे तनाव की स्थिति वहां पैदा की जा रही है, बिल्कुल एक ही मिनट बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा, मतलब मुझको मेरे खिलाफ आरोप लगा के मुझको ही बात कहने का मौका नहीं दिया गया। मैं केवल पूरे दिल्ली के और देश के सच्चे लोगों से, स्वतंत्र सोच वाले लोगों से, मीडिया से, विधानसभा के साथियों से, विधानसभा के माननीय अध्यक्ष महोदय से न्याय की प्रार्थना करता हूँ, और मैं अपनी तरफ से पूरी तरह से कानून सम्मत तरीके से इस बात को लगातार उठाते रहने का अपने संकल्प व्यक्त करता हूँ। अब मैं